नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना रहे देश का कोई भी नागरिक। आयुष्मान भारत योजना के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना से मिला गरीबों को लाभ। आयुष्मान भारत मोबाइल ऐप और आयुष्मान भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का किया शुभारंभ। आतंकवाद पूरी मानवता का दुश्मन। आतंकवादियों की मदद करने वालों को अलग थलग किया जाना चाहिए। दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। आतंकवाद के खिलाफ भारत के शांति और विकास के नजरिए को दुनिया के सामने मजबूती से पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। केंद्र सरकार लाएगी सिटीजन अमेंडमेंट बिल। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई शरणार्थियों को दी जाएगी भारत की नागरिकता। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। कहा, एनआरसी लाकर घुसपैठियों को करेंगे देश से बाहर। ममता सरकार पर एनआरसी को लेकर बंगाल की जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र की नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी ने जारी की 125 उम्मीदवारों की लिस्ट। कोथरूड से चुनावी मैदान में होंगे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल सीट से भरा पर्चा। और भारी बारिश से बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बिहार में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। केंद्र ने दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एक माह का वेतन बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का किया ऐलान। सीबीआई को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए एजेंसी के 300 से ज्यादा कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है। ये कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात थे। सीबीआई अधिकारी के मुताबिक देश भर के सैकड़ों जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क और निरीक्षक रैंक के अधिकारियों का तबादला किया गया है। दरअसल प्रशासन के संयुक्त निदेशक एके भटनागर ने 21 अगस्त 2019 को पत्र जारी कर ऐसे कर्मचारियों की सूची मांगी थी जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। उन्होंने सालाना रोटेशन की स्थानांतरण नीति को लागू करने का आग्रह किया था। पत्र में कर्मचारियों को नई तैनाती के लिए 3 विकल्प 10 सितंबर तक देने को कहा गया था। और आइए इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। एमएल शर्मा हमारे साथ फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई के जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका शर्मा जी। आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो तबादलों को लेकर नीति पर तमाम बातें हुई थी और कैसे ये फैसला लिया गया। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि ये फैसला क्यों लिया गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जी। जी, आप तक आवाज पहुंच रही है एमएल शर्मा जी? तो आपको बता दें कि सीबीआई को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए एजेंसी ने 300 से ज्यादा कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया है और पिछले 10 साल से ज्यादा समय से जो एक स्थान पर तैनात थे कर्मचारी, उन्हें ट्रांसफर किया गया है। और इससे पहले ही इसके बारे में जानकारी ली जा रही थी और रोटेशन की जो स्थानांतरण नीति है उसे लागू करने का आग्रह किया था। एमएल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमएल शर्मा जी, आप बता रहे थे कि स्थानांतरण की जो नीति होती है उसके तहत ये कदम उठाए जाते हैं। फायदा इससे किस तरह का होगा सीबीआई को? फायदा ये होता है कि एक स्थान पर रहने से थोड़ा
काम में सुस्ती आ जाती है, और दूसरा इसका पहलू ये है कि कुछ लोग अच्छे स्टेशन पर होते हैं, कुछ लोग थोड़ा उतने अच्छे स्टेशन पर नहीं होते हैं, तो जो उतने अच्छे स्टेशन पर नहीं होते हैं उनको अच्छे स्टेशन पर आने का मौका मिल जाता है। तीसरा फायदा ये होता है कि जो निहित स्वार्थ है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंबे समय तक रहने से निहित स्वार्थ पैदा हो जाता है, तो ये 10 साल लंबा समय है, 10 साल के बाद अगर ट्रांसफर हुआ है तो उसमें इन तीनों मुद्दों पर लाभ होगा, और ये प्रशासन को, सीबीआई के प्रशासन को चुस्त बनाएगा, मैं ऐसी मान्यता रखता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ होगी। अब देखिए, इतना बड़ा मुल्क है, एक आदमी, एक एम्प्लॉई एक जगह पर तो बैठ के नहीं रह सकता है, दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा। फौज वाले कहां कहां काम करते हैं, बीएसएफ सीआरपीएफ वाले कहां कहां काम करते हैं, तो इसलिए थोड़ी तकलीफ होगी, कुछ को होगी, मैं मानता हूं। जिसकी कोई बहुत ज्यादा तकलीफ हुई तो उसको डायरेक्टर साहब विचार करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो ये प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा कदम है जी। तो क्या इसमें जो मामलों के निपटारे हैं, जांच की जो स्थितियां हैं, वो और उसमें तेजी आएगी? हालांकि जो ट्रांसफर की बात जब कही गई तो विकल्प भी मांगे गए थे अधिकारियों से, लेकिन इसके पीछे की जो मुख्य मंशा है वो क्या है? मुख्य मंशा, जैसे मैंने आपको कहा, ये कोई शिकायत के आधार पर नहीं हुआ है जैसा जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि शिकायत पर तो एक को किया जाता है ट्रांसफर, दो को किया जाता है, चार को किया जाता है। अगर 300 आदमी ट्रांसफर हुए हैं तो ये एक जनरल रोटेशन है, और ऐसा पहले भी हुआ है, और 300 का ट्रांसफर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रभावित करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का ट्रांसफर, यानी कि इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी वगैरह वगैरह। तो इसमें सब किस्म के लोग हैं, कुछ क्लैरिकल कार्डर के हैं, कुछ इन्वेस्टिगेटर भी होंगे, कुछ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के होंगे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल वगैरह वगैरह। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि इन्वेस्टिगेशन पर कोई उल्टा प्रभाव पड़ेगा। जी जी। तो इसके मैंने 3 फायदे आपको पहले बताए थे, उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं इसको प्रशासनिक दृष्टि से सही मानता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एमएल शर्मा जी आपका हमें विस्तार से बताने के लिए। सीबीआई ने जो फैसला लिया तबादलों को लेकर, 300 से ज़्यादा कर्मचारियों के तबादले हुए हैं, और एजेंसी का मानना है कि इससे कामकाज में और तेज़ी आएगी और चुस्त दुरुस्त एजेंसी बनेगी। आइए हम आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत के 1 साल पूरे होने पर आरोग्य मंथन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत देश का क्रांतिकारी कदम है, 130 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। आयुष्मान भारत देश के सभी गरीबों को इलाज मुहैया करा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का संकल्प है कि सभी नागरिकों तक आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच होनी चाहिए। आयुष्मान भारत न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यह देश के सामान्य मानवीय के, गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये भारत के रूप में 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। आयुष्मान भारत ने सिद्ध कर दिया कि जब भारत की सामूहिक ताकत अगर कहीं पर भी लग जाती है तो उसका लाभ और शक्ति बहुत व्यापक हो जाती है, विराट हो जाती है। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है। घर के पास ही बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए हर राज्य प्रयास कर रहे हैं। ये भी सच है कि देश के उन हिस्सों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं वहां दबाव जरा अधिक है, लेकिन यह हर भारतीय का दायित्व तो है कि देश का कोई भी नागरिक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आयुष्मान भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का लोकार्पण किया और आयुष्मान भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इससे लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत पर पीएम जय प्रदर्शनी को भी देखा, साथ ही आयुष्मान भारत अभियान के हितग्राहियों से मुलाकात की और उनके अनुभव से रूबरू हुए। स्कीम ने एक साल में 47 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया, जिसमें अब तक सरकार की ओर से 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस योजना के तहत 18,000 से अधिक अस्पतालों को जोड़ा गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पड़ोसी देश की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा देने का भारत पूरे संयम के साथ करारा जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता का दुश्मन है, आतंकवादियों की मदद करने वालों को अलग थलग किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने हमेशा ही शांति, सहिष्णुता, भाईचारे और सद्भाव के सिद्धांत का पालन किया है। उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद के खिलाफ भारत के शांति और विकास के नजरिए को दुनिया के सामने मजबूती से पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने टकराव की प्रवृत्ति की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकल्प पेश किया। प्रधानमंत्री ने हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के शांति और विकास के नजरिए को दुनिया के सामने मजबूती से पेश किया है। टेररिज्म इज द एनिमी ऑफ मैनकाइंड। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी for taking a firm yet dignified stand against these highly condemnable acts of our neighbor. I am also glad that India effectively unveiled its vision for peace and development for humanity at the ongoing 74th UN General Assembly session, in contrast to the mindset that believes in violence, terrorism and warmongering for short-sighted vested interests. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने हमेशा ही शांति, सहिष्णुता, भाईचारे और सद्भाव को महत्व दिया है और पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे आतंकवाद का संयम के साथ मजबूती से जवाब दे रहा है। As we strive to bring peace and prosperity to the subcontinent, Shastriji's words serve as a guiding light. It tells us that a subcontinent at peace benefits all and the constant strife, hostility, conflict and terror drags us all down. Since the times immemorial, India has always embraced the value of peace, tolerance, brotherhood and harmony. We have continued to firmly adhere to these values in spite of grave provocations from our neighbor, who unabashedly aids and abets terrorism. India has handled the escalation of tensions with remarkable restraint, grace and poise. वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर मंजू शर्मा को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 प्रदान करते हुए उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शास्त्री जी शांति को समृद्धि का पहला कदम मानते थे। उनके विचार भारतीय उपमहाद्वीप में शांति और समृद्धि के लिए अहम है। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि एनआरसी देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। कोलकाता में एनआरसी पर जनजागरण अभियान में गृहमंत्री ने अपने भाषण में इससे जुड़े तमाम आशंकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाएगी। कोलकाता में एनआरसी पर जन जागरण रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भले ही कोई लाख कोशिशें कर ले, लेकिन बंगाल में हर हाल में एनआरसी को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनआरसी पर हिंदू शरणार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जल्द लाने वाली है, जिसके बाद हर नागरिक को उसका अधिकार मिल जाएगा, लेकिन एक भी घुसपैठियों को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनआरसी के पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आनी है, सीए भी लेकर आनी है। ये सीए भी क्या है? ये सीए भी का मतलब है भारत के अंदर
जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, जितने भी हिंदू शरणार्थी आए हैं, वो सभी के सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, हमेशा के लिए प्रदान कर। गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी है। 73 साल के बाद बंगाल की जनता की कृपा हो गई, आपने 18 सीटें मोदी जी को दे दी। मोदी जी ने पहले ही सत्र में एक झटके में धारा 370 और 35 से उखाड़ कर फेंकने का काम किया। और मित्रों, 73 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है जो सारे का सारा है। आज मोदी जी ने वो नारे को वास्तविकता में बदलकर कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बना दिया। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एनआरसी पर दोहरे रवैये की भी आलोचना की। साथ ही उन्होंने उन संशयों पर भी विराम लगा दिया जो पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करने पर जनता के मन में पैदा हो रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में पटना, नालंदा, वैशाली, भागलपुर और पूर्णिया सहित राज्य के कई हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति खराब है। पटना के निचले इलाकों में पानी भर गया है। राज्य में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 56 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एक महीने का वेतन बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बिहार में बाढ़ ने सामान्य लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राहत कार्य के लिए हम सबको हर तरह से योगदान देना चाहिए। मैं अपने राज्यसभा के एक महीने का वेतन बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में भेज रहा हूँ। और फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें, और साथ ही आपको दिखाएंगे दोनों राज्यों के दिग्गज चेहरों पर हमारी खास रिपोर्ट। ये सब आपको बताएंगे मेरे सहयोगी घनश्याम। चुनावी रण 2019 ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज चुनावी रण में हम बात करेंगे कैसे लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने और केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के बाद बीजेपी की नजर महाराष्ट्र और हरियाणा में सत्ता पर दोबारा काबिज होने पर है। वहीं कांग्रेस और सहयोगी दल इस कोशिश में जुटे हैं कि कैसे इन दोनों राज्यों में खोई हुई सत्ता को वापस हासिल किया जाए। ऐसे में खास है उन राजनीतिक चेहरों की अहमियत जिन पर जिम्मा है अपने अपने प्रदेश में पार्टी की नैया पार लगाने की। लेकिन सबसे पहले बात आज महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव में क्या कुछ रहा खास। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने 125 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट से मैदान में होंगे। सतारा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी ने उदयन राजे भोंसले को टिकट दिया है।
2014 में गलत हलफनामा देने के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुकदमे का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को निचली अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली क्लीन चिट को रद्द कर दिया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बात करते हैं महाराष्ट्र के रण की, तो महाराष्ट्र में एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी को लेकर आश्वस्त हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी मिलकर देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौती पेश करने की कोशिश में जुटे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। सूबे की सियासत में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। अपने कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन नीतियों को तवज्जो दी जिनमें महाराष्ट्र के लोगों को उनका फायदा तो दिखा ही, साथ ही इन फैसलों ने मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को भी बढ़ाया। सहयोगी दल शिवसेना के साथ 5 साल तक तालमेल बनाए रखने में देवेंद्र फडणवीस ने अहम भूमिका निभाई है। किसानों के मुद्दों से लेकर पानी की समस्या तक जब भी राज्य सरकार पर सवाल उठे तो समस्याओं का समाधान कर देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ विरोधियों को करारा जवाब दिया बल्कि सवाल उठाने वाले सहयोगी दलों को भी अपने पाले में कर लिया। अमित भाई आगे बढ़ो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। इस बार चुनाव में शिवसेना ने भी बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में वर्चस्व बढ़ाने के लिए पार्टी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को आगे किया है। शिवसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य सीधे चुनाव मैदान में दिखेगा। कांग्रेस एनसीपी में अशोक चव्हाण, संजय निरुपम, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल सरीखे, कई ऐसे नेता हैं जिनका सूबे की राजनीति में अपना अलग रसूख है, लेकिन सत्ता हाथ में नहीं रहने के चलते ये नाम हाशिए पर दिखाई देने लगे हैं। मुंबई से नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं हरियाणा के रण की। तो हरियाणा में बीजेपी की रणनीति कांग्रेस उम्मीदवारों की घेराबंदी करने की है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के भारी भरकम उम्मीदवारों के खिलाफ दमदार प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। इनके अलावा अन्य विपक्षी दल भी अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए खासी मशक्कत कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है। मनोहर लाल खट्टर ने जब से प्रदेश की कमान संभाली तब से कई बार ऐसे मौके आए जब प्रदेश की राजनीति में उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठे, लेकिन मुख्यमंत्री ने न सिर्फ तमाम चुनौतियों को पार किया बल्कि प्रदेश की जनता और केंद्रीय नेतृत्व में अपने काम करने की नीति को लेकर भरोसा मजबूत किया। एक लीडर के तौर पर वो इमर्ज हुए हैं, उन्होंने सिस्टम को पारदर्शी बनाया है। जो एक वंशवाद की राजनीति चली आ रही थी या जो एक सोर्स सिफारिश और तमाम जो तौर तरीके अपनाए जाते थे वो जो चीजें थी वो किसी हद तक इनके शासनकाल में खत्म हुई हैं, तो इसका श्रेय तो कम से कम मनोहर लाल को दिया ही जाएगा। वहीं चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव के कड़वे अनुभव हैं। पार्टी के सभी दिग्गजों को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लिहाजा पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर हालात बदलना चाहती है।
कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को विधानसभा चुनाव की कमान सौंपी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल हरियाणा की कमान भी संभाली है। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ये एक नॉन जाट को मोबिलाइज किए काफी अच्छे तरीके से और उनका बेनिफिट इनको हासिल है, बट अभी जो INLD का जो स्प्लिट हुआ है उसका बेनिफिट भी इनको मिलने वाला। राजनीतिक दलों को एक तरफ रखें तो हरियाणा की राजनीति अक्सर कुछ परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई है। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल और भजनलाल, ये वो नाम है जिनकी हरियाणा की राजनीति में अपनी अलग पहचान है। लेकिन इनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इनके वारिसों को आज संघर्ष करना पड़ रहा है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और बीजेपी ने इस बार 75 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं विपक्षी दलों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जारी है। 2014 में जहां मनोहर लाल खट्टर को नया और अनुभवहीन नेता माना जा रहा था, वहीं पिछले 5 साल में उन्होंने कई जनहित के अहम फैसले लेकर अपने आप को एक मंझे हुए नेता के तौर पर प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ उनकी सरकार के कई अहम फैसलों के चलते इस बार बीजेपी ने उनको अपने नेता के तौर पर जनता के सामने खड़ा किया है और साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने कई फैसलों की वजह से बीजेपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक भी पिछले 5 साल में तैयार किया है। करनाल से कैमरामैन सरोज और संदीप सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। तो फिलहाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को देते हैं हम विराम। कल बात करेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा के उन चुनाव क्षेत्रों की जो सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए विशेष स्कूल शिक्षा और इंडेक्स की आज करेंगे बात। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।